बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान मटन शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सादा और आसान तरीके के साथ झटपट ये कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप लाजमन देखिएगा। तो सबसे पहले बर्तन में एक गिलास पानी का डाल लेना है। पानी में उबाल आ गया, अब इसमें एक किलो मटन डाल देना है, ये ज़रा बड़े पीसीज में है। अब इसमें एक चम्मच लहसुन का पाउडर डालना है और आधा चम्मच अदरक का पाउडर डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब इसको कवर करके पका लेना है तकरीबन 35 से 40 मिनट। तो मटन नरम हो गया तकरीबन 40 मिनट में ही। और अब इसमें एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है मटन को ऑयल में। और ये देखिए, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और ये अच्छे से फ्राई हो गया मटन। तो अब इसमें 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको छील लिया था, वो बड़े बड़े पीसीज में डाल दिया है इसमें। अच्छे से इसको साथ मिक्स करके और लो फ्लेम पे कवर कर देना है यहाँ तक के टमाटर नरम हो जाएं। तो ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और ये टमाटर अच्छे से नरम हो गए। बाकी चम्मच की मदद से अच्छे से इनको इस तरीके से करते जाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब अच्छे से भुनाई होगी, तो अब इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले भी, जिस तरह के एक चम्मच नमक का डाला है और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है इसमें। अच्छे से इसको पकाना है, फ्लेम हाई है इस वक्त। अब इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है और इसके साथ भी अच्छे से इसको भून लेना है। मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ये देखिए फ्लेम हाई पर ज़बरदस्त सा मसाला भुन रहा है और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाएगा इस तरीके से। तो अब इसमें जुलियन कटी हुई अदरक शामिल कर देनी है, थोड़ा कटा हुआ धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, झटपट सी ज़बरदस्त सी शनवारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।